नितिन गडकरी जी से बात करी है, प्रधानमंत्री जी से बात करी है और उन्होंने इस पे फौरन राहत पे करीबन 300 करोड़ रुपए देने की बात करी है। मगर क्योंकि लॉस इतना बड़ा है, प्रदेश को करीबन 8000 करोड़ का अनुमानित नुकसान है, तो हमें बड़े सहयोग की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है, ब्रिजेस का बहुत नुकसान हुआ है, उसमें मैंने कई विषयों को सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी के समक्ष उठाया है और उन्होंने उसमें अपना पूरा सहयोग देने की बात करी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मगर जल्द से जल्द वो सहयोग हिमाचल को मिले, ये मेरा निवेदन जो है वो केंद्र सरकार से रहेगा। नहीं, निश्चित तौर से दोनों जो मैंने बातें करी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी और जो दूसरी भी, दैट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स, बिकॉज वन इज फॉर द नेशनल हाईवेज एंड द अदर इज फॉर द रूरल रोड्स। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस और उसको रिस्टोर करना, उसको उसका अपग्रेडेशन करना, टाइमली अपग्रेडेशन करना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, केंद्र सरकार से पूरा तालमेल बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें एक बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं और जिस तरीके से वो हमको अपना दिशा निर्देश देते हैं, हम मजबूती से अपने क्षेत्र की, प्रदेश की आवाज़ को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब अपना सहयोग देंगे और हिमाचल को इस आपदा से बाहर निकालने में अपना योगदान और समर्थन देंगे। पीडब्ल्यूडी का लॉस कितना एसेस किया गया अभी तक और क्या ये बढ़ेगा? देखिए, अभी तक जैसा मैंने कहा कि करीबन 2000 करोड़ का नुकसान है, मगर इन द टाइम्स टू कम बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी मानसून काफी चली हुई है, अभी भी हमें रोज रिपोर्ट्स आ रही है किसी न किसी क्षेत्र से कि वहां पर जो है वो ये हो रहा है, तो उस पर इस चीज को हमें देखने की आवश्यकता है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। मैं अभी वापस आया हूं दिल्ली के दो तीन दिन के दौरे से, मैं अपने विभाग के साथ बैठक लूंगा और हम पूरा फीडबैक लेंगे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और उसको कैसे आगे दुरुस्त करना है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और पूरी मजबूती से रेस्टोरेशन का कार्य करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, इट इज समथिंग दैट हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बीजेपी की 5 साल सरकार रही, उसमें दबकर प्रदेश के अंदर इलीगल माइनिंग हुई, चाहे वो पोंटा साहब का एरिया है, चाहे वो नालागढ़ का एरिया है, चाहे वो नूरपुर का एरिया है, चाहे वो और एरियाज है। और इस पे जब से हमारी सरकार बनी है, हमने नकेल कसनी शुरू करी है, इस पे मैंने डीजीपी साहब से भी बात करी है, उन्होंने कहा है कि बहुत से केसेस इसमें रजिस्टर हुए हैं, मगर तब भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अनचेक्ड जा रहा है, विच द इवन द ऑनरेबल डीजीपी हैज अग्रीड टू। तो ये आने वाले समय पे इस पे हमको और मजबूती से काम करना है और मजबूती से इस तरीके की माइनिंग ना हो उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, चाहे वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इवन दे हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, वहाँ के पंचायती राज के लोग हैं उनको भी एक्टिवेट करना है ताकि एक विजिलेंटी ग्रुप्स बनाई जा सके और इस तरीके की जो नुकसान प्रदेश को हो रहा है वो ना हो, इसके लिए हमको ये महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। Finally, as you talked about, the bureaucracy will not be tolerated to buckle with as they're trying to. What exactly? नहीं, नथिंग। मैंने देखिए कुछ इश्यूज थे जिसपे मैंने अपनी बात रखी है और मैं इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। कुछ कंसर्न्स है जिसपे वो निश्चित तौर से कार्य करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है।